कि वो राजनेता कुछ कुछ जनप्रतिनिधि बाहुबली के चक्कर लगाना वो छोड़ दें, वो अपनी सेवा आम जनहित के लिए खड़े हों। किसी बाहुबली और जो कुछ ऐसे जनप्रतिनिधि जो दलाल और पैसे टाइप के लोग जो जनता का वोट लेकर के जो जनता का वोट लेकर के फर्जी डॉक्टर की दलाली करते हैं, जो जात की दलाली करते हैं, मैं केसीझा से आग्रह करूंगा कि डॉक्टर सेवा के लिए होता है, डॉक्टर इंसानियत के लिए होता है, जात के लिए नहीं होता, धर्म और मजहब के लिए नहीं होता, और बाहुबली के लिए नहीं होता। मैं खुली चुनौती देता हूं जिस भी जनप्रतिनिधि और बाहुबली को मेरे इस विचारधारा के बीच आना, एक बार नहीं हजार बार मुझे बागी बनना पड़ेगा 92% जनता के हित में, तो अपने को मरना समाप्त तय कर लूंगा, समाप्त हो जाऊंगा, लेकिन सरकार और संविधान और लॉ जो कहता है हम उसको लागू करवा के ही रहे हर परिस्थिति। जिसको आना हो पीछे पीठ पीछे आना बंद करे, सामने हम जनता के लिए हैं, जनता के हित में है, जनता के। एक अंतिम बात, मैं उस जनप्रतिनिधि से जो इसके पक्ष में है और उन लोगों से जो उन नौजवान जो इसके पक्ष में जनता के पक्ष में, उनसे हम अपील करेंगे कि वो गाली सुने, अपमानित हो, वो प्रतिक्रिया न, किसी डॉक्टर का अपमानित ना करें, लॉ के मुताबिक ही डॉक्टर से बात करें, डॉक्टर का सम्मान करें, और कहीं किसी डॉक्टर से और किसी पैथोलॉजिस्ट से झगड़े नहीं। अन्यावश्यक सामाजिक तनाव बढ़े, इसीलिए सिर्फ हिंसा जब ही होगा आंदोलन कमजोर पड़ेगी, इसलिए अहिंसा जब तक रहेगा तब तक हमारी लड़ाई को कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हम अपील करेंगे कि किसी भी तरीके से हिंसा का रास्ता कोई अख्तियार ना, अहिंसा का रास्ता अख्तियार करे, हम जीतेंगे नहीं, यह मेरी जीत, ये जनता की जीत होगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। और जो व्यक्ति इस तरह का डॉक्टर या पैथोलॉजिस्ट को अपमानित करने का शौक रखते हैं, मैं अपील करूंगा कि वो पप्पू यादव का आदमी नहीं हो सकता। कल मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि मेरी आलोचना होती रहे, कोई दिक्कत नहीं है, मुख्यमंत्री जी को मैं तायद करता हूं, हमेशा वो सच बात बोलते हैं। मैं कायल हो चुका हूं जीतन रामा जी का इस सच्चाई को बोलने के लिए। उन्होंने सच कहा, क्या गुनाह किया कि पीने वाले को उसने गलत कहा? हमको आप बता दीजिए कि आप दिन में ना पिए, आप पीना चाहते हो तो अपने घर में बैठ करके और अपने बेड में पिए, इसकी आलोचना होगी? वो क्या गलत कहा कि शिक्षक तंबाकू लेकर के, जो सच्चाई है उन्होंने उस बात को प्रस्तुत किया, और ये सच्चाई, यही सच्चाई है कि आम लोग राहत चाहते हैं अपने जीवन से, कि हमको राहत मिले स्वास्थ्य में, हमको राहत मिले हमारी जीवन जीने की पद्धति में, हमको राहत मिले एजुकेशन में, वो चाहते हैं। क्या दिक्कत है भाई, आप हमको बता दीजिए। अब कुछ अच्छा जब होगा तो चैलेंज आएगा, सिस्टम के द्वारा चैलेंज होगा, कुछ ऐसे जनप्रतिनिधि जो जात के जहर के में खोए हुए हैं, डूबे हुए हैं, वो पीछे से पीछ में छुरा भोंकेंगे,
कुछ बाहुबली जो जिनका जिनका पैसा है, पैसा लेना, पैसा कमाना, बगैर किसी के लिए पैसा जी नहीं सकता है, वो उसकी सुखबुगाहट होगी। तो जन के सामने कोई नहीं ठुकता। मैं ऐसी ऐसी चुनौती बचपन से देखता रहा हूँ। मुझे 92% लोगों की चिंता है, मुझे चिंता अपनी नहीं है। मुझे रोकना है इस सिस्टम को। मैं फर्जी डॉक्टर से निजात चाहता हूँ, मैं गलत पैथोलॉजी से निजात चाहता हूँ, मैं सरकार के संविधान और लॉ के मुताबिक काम करूंगा। मैं आवाम से आग्रह करूंगा कि कोई ऐसा डॉक्टर किसी को अपमानित ना करे, किसी पैथोलॉजिस्ट को अपमानित ना करे, और सबका सम्मान करें। जब तक अहिंसक आंदोलन होगा, हमारी जीत को कोई नहीं रोक सकता। हिंसा आंदोलन को गति को रोक देगा। इसलिए आप ऐसा कुछ ना करें जो सिस्टम हमारे खिलाफ खड़ा हो जाए, जो चुनौती बने। और जो ऐसे करेंगे वो पप्पू यादव का आदमी नहीं हो सकता है। हमें लड़ना है जनता के लिए। एक लड़ाई हमने शुरुआत की है, इसको खत्म करेंगे। फिर दूसरी लड़ाई एजुकेशन होगी, उसकी शुरुआत करेंगे। तीसरी लड़ाई भ्रष्टाचार है, उसकी शुरुआत करेंगे। पहले हमारी लड़ाई इन चीजों के लिए है। और जो सही डॉक्टर है वो हमारी बात को माना है। उन्होंने कहा कि हम ऐसा करेंगे और हम करते भी थे ऐसा। पहले सही डॉक्टर ने इस बात को माना है। जो फर्जी डॉक्टर है वो ज्यादा उछल कूद करते हैं। कल मेरे साथ आईएम के यूसी मिश्रा थे। जो व्यवहार हुआ है एक डॉक्टर के यहाँ, उनसे आप पूछ लीजिए। इसीलिए कोई चैलेंज नहीं। जो लोग इस तरह की बातें, मैं अपील करता हूं सभी लोगों से कि आप पुनः जात धर्म मजहब से ऊपर उठे लोग, और ये दौलत ये महाबली और कुछ जनप्रतिनिधियों के चंगुल से निकले, और जो जनता के हित की काम है उसको करने की शुरुआत करें। हम ऐसा चाहते हैं।